राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जो चुनावी माहौल चल रहा था वह अब शांत हो चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और 25 नवंबर को है पूरे राजस्थान में मतदान होना है। आप भी अपने मत का प्रयोग कीजिए और एक बेहतर सरकार बनाइए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव के दौरान इस बार हजारों रैलियां राजस्थान के अंदर हुई, बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर आए। बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जो उनके मंत्री हैं अमित शाह और जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे तमाम जो बड़े नेता थे वो राजस्थान आए। सनातन की बात करने योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी यहां आए। कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार स्टार प्रचारक के तौर पर काफी जगह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ जो सचिन पायलट हैं वो भी नजर आए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं वो भी पूरी तरीके से इन चुनावों के अंदर छाए रहे। अलग अलग स्थानों पर इन सभी नेताओं ने जनसभाएं की, लोगों को संबोधित किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार शांत होने से पहले एक बहुत बड़ी बात देवगढ़ के अंदर कही। उन्होंने कहीं ना कहीं गुजर कार्ड खेलने की कोशिश यहां पर की। सचिन पायलट का उन्होंने नाम लिया, राजेश पायलट का उन्होंने नाम लिया और लोगों को याद दिलाया 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो सचिन पायलट को दूध में से जिस तरह से मक्खी को निकाला जाता है वैसे निकाल के बाहर कर दिया गया। गुजर समाज को शायद ये याद दिलाने की कोशिश की गई कि जो एक आपके समाज से एक बड़ा नेता आता है उसके साथ कांग्रेस ने यहां पर क्या किया है। लेकिन इसके बाद ही सचिन पायलट ने भी एक सभा के अंदर इसका जवाब उन्होंने दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 36 कौम की पार्टी है, सभी जो समुदाय हैं, सभी जो वर्ग हैं उनको साथ लेकर यहां पर चलती है। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने सोशल मीडिया पर सचिन पायलट का जो एक वीडियो है वो साझा किया। देखिए, देवगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ पुराने जो किस्से थे या पुरानी जो बातें थी उनको दोहराने की यहाँ पे कोशिश की। जो राजस्थान के अंदर जिस तरह से सरकार गिराने की कोशिश की गई थी उस समय किस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मतभेद थे वो जग जाहिर हो चुके थे। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ बयान भी सचिन पायलट को लेकर दिया था, उसकी बात भी उन्होंने मंच से यहाँ पर कही और बताया कि किस तरह से सचिन पायलट को जो है कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और पूरे गुर्जर समुदाय को ये बताने की उन्होंने कोशिश की। ये अंतिम एक कार्ड उन्होंने चुनाव से ठीक पहले, जो चुनाव प्रचार शांत होने वाला था उसके ठीक पहले उन्होंने ये एक कार्ड खेला और बताया कि गुर्जरों से संबंधित जो नेता है, या इस तरह से कह सकते हैं कि जो गुर्जर समाज से एक बहुत बड़ा जो नेता है राजस्थान का, उसको किस तरह से कांग्रेस ने बाहर किया, ये चीजें याद दिलाई। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर क्या कुछ बयान दिया था उसकी भी याद उन्होंने वहां पर दिलानी चाहिए। बहरहाल चुनाव थे तो इस तरह की बयानबाजियां होनी थी, क्योंकि हमने इससे पहले भी कई तरह के बयान चोरों का सरदार या फिर पनौती जैसी कई चीजें इस बार राजस्थान के चुनाव में देखने को मिली थी। लेकिन अब जो गुर्जर समुदाय को लेकर जो अंतिम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक जो बहुत बड़ा जो बेल्ट है गुर्जर समुदाय का, काफी प्रभावित पूर्वी राजस्थान की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अच्छा खासा एक वोट बैंक है गुर्जर समुदाय का, तो उनको कहीं ना कहीं याद दिलाने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस तुरंत एक्टिव हुई। सचिन पायलट का बयान इस पे आया और उन्होंने कहा कि सब कांग्रेस जो है सभी जो कौम है, सभी जो धर्म है उनको साथ लेकर चलती है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत बढ़िया स्थान भी अपने राजनीतिक जीवन के अंदर दिया है। ये सब तमाम बातें थी, ये कहीं ना कहीं मंच से बोलते हुए सचिन पायलट भी नजर आए। लेकिन इसके बाद तुरंत ही देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक वीडियो सचिन पायलट का यहाँ पर जारी किया अपने जो सोशल मीडिया पर है, उनका एक वीडियो उन्होंने डाला और बताया। उसमें सचिन पायलट कहते हुए नजर आए हैं कि आपको वोट करना है, क्यों वोट करना है, क्या कारण है, ये तमाम चीजें जो है सचिन पायलट उसमें
बताते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो अंतिम प्रयास था दोनों ही पार्टियों की ओर से वो यहाँ पर किया गया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए गए और बताया गया, और पुराने कुछ जख्म थे उनको यहाँ पर कुरेदने की जो कोशिश है वो यहाँ पर जरूर की गई। लेकिन अब 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होना है और इसके बाद 3 दिसंबर को जब ईवीएम मशीन का पिटारा खुलेगा तो किसकी सरकार बनती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल द नगरी न्यूज के लिए इतना ही, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आदित्य यात्री।